अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है संडे, तो जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर पोहा। और ये मैंने एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है और मैंने थोड़े से पीनट लिए हैं और इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। इन्हें थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इन्हें हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आज संडे था तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, इसलिए नाश्ते के लिए भी थोड़ा लेट हो गया था। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ा ऑयल इसमें बच गया था, थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हींग। थोड़े से सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स, के बाद मैंने इसमें डाले हैं करी लीव्स। इनको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी हैं। इन्हें फिर से मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लूँगी। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि थोड़ा मैं लेट उठी हूँ, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया था नाश्ते के लिए भी, और मैंने लंच भी आज पैक नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसे फिर से थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें थोड़ी सी भी कच्ची महक नहीं आनी चाहिए, हल्दी की सारी महक निकल जानी चाहिए। इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और इसमें हमने डाल दिए हैं पीनट्स और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पर मैंने दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तो मैं वही नाश्ता दे रही हूँ अपने हस्बैंड को। पोहा भी बना नहीं है, थोड़ा सा टाइम है पोहा बनने के लिए, मैंने इसमें पोहा ऐड करना है। मैं दूध में डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। उसके बाद मैंने ये इसमें जो हल्दी मैंने ऐड की थी उसकी अब स्मेल पूरी तरह से निकल चुकी है कच्चे की, तो यहाँ पर हम ये सारे पोहे ऐड कर देंगे, जो कि मैंने हल्के से वाटर से स्ट्रेन करके रखे थे। ये खिले खिले होने चाहिए ताकि हम पूरे ने सोक करके रखेंगे तो ये एकदम चिपक जाएंगे। तो मैंने इन्हें हैंड टू हैंड स्ट्रेन करके और निकाल लिए थे। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड रेडी हैं जाने के लिए बिल्कुल। और मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है
एकदम खिले खिले रहे, उसमें चिपके ना। यहाँ पे मैंने ऐड की थी शुगर, शायद यहाँ से मुझसे कट हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की थी। और यहीं पर लेमन जूस ऐड किया जाता है इसी स्टेज पर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। तो देखें कितना प्यारा कलर आया है, ये पोहा हमारा बनकर रेडी हो गया है। मैं इसको अपने हस्बैंड के लिए निकाल कर मैंने दे दिया है, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था जाने के लिए साइट पर। अभी मैं यहाँ से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पूरा गैस गंदा हो गया था। जो मैंने चॉप करके रखा था, ये मैंने बाद में ऐड किया है, मुझे याद नहीं था मैंने कट करके रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसे बाद में ऐड कर लिया था। उसके बाद में मैंने जो रात में भिगोए थे बादाम, वो मैं छील रही हूँ। नौ दस बादाम मैं डेली भिगो कर रख देती हूँ नाइट में, छील लेती हूँ, छील कर अपने बेटे को, हस्बैंड को दे देती हूँ। लेकिन आज वो थोड़ा जल्दी में थे तो मैं उन्हें नहीं दे पाई, तो आज जैसे कि संडे था तो देखिए ये मस्ती हो रही है। देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और पोहे के लिए मैंने ब्राउन राइस यूज़ किए हैं, ब्राउन राइस में मैंने पोहा बनाया है। और ये मैं अपने बेटे के लिए पानी गर्म कर रही थी नहाने के लिए, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है बच्चों के लिए, तो मैं गर्म पानी से ही अभी नहलाती हूँ उसको। और ये जी मैंने अपना और मेरे बेटे का नाश्ता रेडी कर लिया है। अब हम दोनों बैठ के नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कम ही होता है मैं और मेरा बेटा साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं डेली में, बेटे का लंच बॉक्स पैक करना, उसको रेडी करना, और हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स पैक करना, और ब्रेकफास्ट बनाना, और उसके बाद में हम उसको स्कूल छोड़ने के बाद में मैं और मेरे हस्बैंड आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं। तो आज संडे के दिन ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हम दोनों बैठकर नाश्ता कर पाते हैं एक साथ। मैंने हाफ कप दूध लिया है, जो कि मैं कुछ मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ तो उसकी वजह से मैं दूध नहीं ले पाती हूँ, लेकिन आज मन हो रहा था थोड़ा सा तो मैंने ले लिया। थोड़ी सी चाय मैं ले लेती हूँ कभी कभार, वो भी ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ। और ये देखें मेरे बेटे ने बिल्कुल भी दूध फिनिश नहीं किया है। तो जी नाश्ता हमारा हो गया है, और मैंने लगा ली है यहाँ पर मशीन, और उसके बाद में मैंने अपने बेटे को भी गर्म पानी से ही नहला दिया है, उसको रेडी कर दिया है। वो जा रहा है अब कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो रेडी हो गया है मस्जिद जाने के लिए, तो मैं उसको भेज दूंगी, फिर अपने बाकी सारे काम फिनिश करती हूँ। तो जैसा कि आज मैंने मशीन लगाई हुई है, तो मैंने सोचा ये बेडशीट पिलो कवर्स वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ, तो मैं उन्हीं को चेंज कर रही हूँ, ताकि इन भी मैं मशीन में ही डाल के वॉश कर दूँ। क्योंकि जो ये शैनील की बेडशीट होती हैं, ये काफ़ी हैवी हो जाती हैं धुलते टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं मशीन में ही डाल देती हूँ।
बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी। फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के बाद मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने वहाँ का कपड़े धोने के लिए सॉरी निकालने के लिए वो मैंने मशीन और ड्रायर में डाल दिए थे साफ पानी में निकाल के, तो मैंने ड्रायर कर लिया है। अब मैं इन्हें जल्दी से सुखाने के लिए डाल दूँगी। और ये रूम अभी रह गया था सफाई के लिए, इसमें झाड़ू और पोछा नहीं लगाया अभी क्योंकि यहाँ पर मैं कपड़े धो रही थी, तो इसलिए जब सारे कपड़े मैं वॉश कर लूँगी तब मैं ये रूम क्लीन करूँगी लास्ट में। अभी फिलहाल जल्दी जल्दी से मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। तो जी मेरे सारे कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। उसके बाद मैं ये रूम क्लीन करने के बाद नहाने के लिए जाऊंगी। तो जी अब मैं बना रही हूँ लंच। आज मेरे हस्बैंड आए थे लंच टाइम में, जो कि वो कम ही आते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। अब ये शाम का टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ चिली पोटैटो, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो मैं तैयारी कर रही हूँ चिली पोटैटो बनाने के लिए। आलू को मैं पील कर रही हूँ, छील रही हूँ, और तो आलू मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। वैसे मैंने आलू कट कर लिए हैं, पीसेस कर लेंगे, ना ही ज़्यादा मोटे करने हैं ना ही ज़्यादा पतले, क्योंकि हमें इन्हें पानी में बॉईल नहीं करना है, इनको हमें सिर्फ फ्राई करना है। कुछ देर पानी में डालने के बाद इनको हमें फ्राई करना है। तो अगर हम आलू के पीसेस ज़्यादा मोटे करेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे, और अगर ज़्यादा पतले हमने कट कर लिए तो वो टूट जाएंगे, ज़्यादा फ्राई हो गए अगर थोड़े से भी, तो इसलिए मीडियम रखने हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा भारी। तो अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए पानी में डाल के छोड़ देंगे। एक बार पहले साफ पानी में निकाल लेंगे, फिर से उसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कुछ वेजीज हमने कट करके रख लिए हैं, जैसे आनियन है, कैप्सिकम है, और ये थोड़ा सा गार्लिक मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है, और इसमें मैं डालूंगी 2 स्पून चिली फ्लेक्स, और उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी टमाटो सॉस। तो जी ये टमाटो केचप डालने में ज़रा भी कंजूसी ना करें, और ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखो ये कितनी प्यारी थिक प्यूरी बनके तैयार है एकदम। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए एक कढ़ाई, इसको अच्छे से धो लिया है। तो जब ये सूख जाएगी तो हम इसमें डालेंगे ऑयल,
क्योंकि हमें आलू को डीप फ्राई करना है, इसलिए हमें ऑयल भी ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो चलिए जी, हम इतने आलू को रेडी कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गरम होने ही वाला है, इसलिए मैंने निकाल ली एक करछी। ये देखें, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं मेरी हेल्प कराने के लिए, जो कि पूछ रहे हैं मुझसे कि कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। देखिए, मैंने आलू को निकाल लिया है पानी से बाहर और मैंने इसे एक बर्तन में डाल लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच अरारोट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आलू थोड़े गीले हैं, इसलिए अरारोट इसमें आराम से कोट हो जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से कोट हो चुका है। इसके बाद में हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दो बार में थोड़े थोड़े करके अच्छे से फ्राई करेंगे, अगर ज़्यादा हैं तो। गैस हाई फ्लेम पे ही रहना चाहिए। ये देखें, मेरे हस्बैंड हेल्प करा रहे हैं मेरी। ये थोड़े से आलू कुछ मैंने प्लेन ही फ्राई किए हैं अपने बेटे के लिए, उसको फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, तो इसलिए वो मैंने उसे खाने के लिए वैसे ही बना के दिए हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और उसके बाद में एक रेड कलर है मेरे पास, वो मैंने ऐड किया है थोड़ा सा। और ये जो फूड कलर मैंने बाद में ऐड किया है, ये काफ़ी अच्छा फूड कलर है। बहुत ही कम क्वांटिटी में ये काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है इसमें। भी आलू को फ्राई कर लूंगी। जब थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तब इन्हें निकाल लेना है। इनमें एक अच्छी सी क्रिस्प की आवाज आने लगेगी। ये देखें, इनका कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इन्हें निकाल लूंगी प्लेट में। मैंने थोड़ा सा अरारोट और ऐड किया है यहाँ पे, 2 स्पून, शायद मुझे कम लग रहा था, फिर से फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं ये कढ़ाई में। तो देखें, ये सभी आलू फ्राई हो चुके हैं और एक्स्ट्रा
ऑयल मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है, 3-4 स्पून मैंने रहने दिया है कढ़ाई में ऑयल। उसके बाद में मैंने उसमें सबसे पहले मैंने हरी मिर्च डाली थी कट करके, उनको फ्राई किया है। उसके बाद में मैंने जो मैंने प्यूरी बनाई थी, सॉस लहसुन और चिली फ्लेक्स की, वो सब मैंने डाल के उसमें थोड़ी देर के लिए सोटे कर लिया है। उसके बाद में मैंने ऑनियन और जो ये कैप्सिकम कट की थी इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इनको भी मैंने भून लिया है थोड़ी देर के लिए। जब अच्छे से प्यूरी भुन जाए उसके बाद आधा कटोरी पानी में थोड़ा सा अरारोट मिक्स करके उस पानी को प्यूरी में ऐड करेंगे, फिर अच्छे से भूनेंगे। ये मैंने सारा पानी उसमें ऐड कर दिया है। इसकी वजह से ये प्यूरी में एक थिकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो आलू को अच्छे से कोट कर लेती है। ये देखे मैंने इसमें आलू डाल लिए हैं, उसके बाद में मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें चिली पोटैटो बनके तैयार है, बहुत ही यम्मी बनके रेडी हुई थी। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।